हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैव मोर किचन। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे वो लोग भी खा सकते हैं जो शुगर खाने से तौबा करते हैं। आज जो केक हम बनाने वाले हैं वो शुगर फ्री होने के साथ ही हेल्दी भी है, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डलने वाले हैं वो हैं बनाना और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस हेल्दी केक को बनाना। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 पके हुए केले। ये एकदम पके हुए होने चाहिए। इनको मैं छील करके इनके पीसेस कर लूंगी। एक बोल में इन पीसेस को डालेंगे और फोर्क की हेल्प से इन्हें मैश करेंगे। जब बनाना अच्छे से मैश हो जाएंगे तो मैंने इसमें डाला है 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। फिर मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/4 कप कर्ड। फिर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ शुगर की जगह पर डेट्स की प्यूरी। 1 टेबल स्पून शहद को इसमें ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर शहद मिक्स करने से हमारे केक का टेक्सचर बड़ा ही सुंदर आएगा और टेस्ट भी यम्मी बनेगा। इन सबको विस्कर की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। यहाँ पर सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। उससे पहले मैं यहाँ पर बेकिंग डिश तैयार कर रही हूँ। बेकिंग डिश तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक केक मोल्ड लिया, उसे तेल लगाकर ग्रीस किया और उस पर बटर पेपर लगाया और उसे भी फिर से ग्रीस किया। हम इस केक को बनाने जा रहे हैं कढ़ाई में, इसीलिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई को भी प्रीहीट होने रख दिया है। एक कढ़ाई के अंदर मैंने यहाँ पर नमक डाला, नमक के ऊपर एक उल्टी प्लेट रखी और उसे ढककर स्लो फ्लेम पर हम यहाँ इसे प्रीहीट होने रख देंगे। जब तक कढ़ाई प्रीहीट होगी हम यहाँ पर केक का बैटर तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पर पहले जो वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया था, अब हम उसी में ऐड करेंगे 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून नमक। इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को स्टेनर से हम इन्हें छान लेंगे। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद यदि हमें बैटर थोड़ा टाइट लगता है तो हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसे केक वाली कंसिस्टेंसी यानी रिबन वाली कंसिस्टेंसी बना लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं बादाम और पिस्ता। इन्हें ड्राई फ्रूट कटर की हेल्प से मैंने पहले ही कट कर लिया था। आवश्यकता अनुसार थोड़ा दूध और डालेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इस केक का टेस्ट बढ़ाने के लिए एकदम लास्ट में मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून दालचीनी का पाउडर। अब हमारा केक का बैटर तैयार हो गया है। इसे हम केक मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे। केक मोल्ड को 2-3 बार टेप टेप करेंगे जिससे केक बैटर अच्छे से केक मोल्ड में सेट हो जाए। बनने के बाद हमारा केक बड़ा सुंदर लगे इस वजह से मैं यहाँ पर इन पे चोको चिप्स डाल रही हूँ। यदि ये आपके पास है तो आप भी डाल सकते हैं, यह टोटली ऑप्शनल है। अब इस केक मोल्ड को प्री हीटेड कढ़ाई में इसे बेक होने के लिए 35 से 40 मिनटों के लिए रख देंगे। ध्यान रहे हमें इसे स्लो फ्लेम पर ही रखना है। 35 से 40 मिनटों के बाद हम इसमें टूथपिक डालकर चेक करेंगे कि केक पका है कि नहीं। यदि टूथपिक में थोड़ा भी केक चिपक रहा है तो केक अभी पका नहीं है। इसे थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे। थोड़ी देर बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे कि टूथपिक पर केक चिपक रहा है या नहीं। हमें इसके सेंटर में टूथपिक डालकर चेक करना है। यदि टूथपिक बिल्कुल साफ है और केक बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है तो हमारा केक तैयार है। हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर के लिए केक को कढ़ाई में ही रहने देंगे। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे बाहर निकालेंगे और केक को ठंडा होने देंगे। जब केक थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसे हम डीमोल्ड करेंगे और इसके पीसेस कट कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा ये टेस्टी यम्मी शुगर फ्री और हेल्दी सा केक बनके तैयार हो गया है। यदि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।